ये बताएं कि दाढ़ी बाल किसने बनवाने थे? ठीक है, वो आ रहे हैं अभी, तो आप लोग अपने मेकअप एरिया में चले जाइएगा। ओह माय गॉड, मिस्टर शीशी, आई एम बैक। हु इज दिस? आई एम गोइंग नेक्स्ट। यस, यू गो। शीशी को गेम समझाओ। मजा मत करा। शीशी नु गेम समझाओ। बॉय, तुम छिले हुए आलू क्यों लग रहे हो एकदम से? तुम बकायदा छिले हुए आलू लग रहे हो मेरे भाई। गुड बॉय, गुड। बैठो फैजान की जगह पे। चलो आ जाओ फैजान की जगह पे। तो मोहतरमा, आपका कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है किचन में? अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुई आपकी नेहा के साथ? हाँ, क्योंकि सबके सब किचन में नहीं है ना, दो लोग हैं, तो वो दो लोग आपस में बाहिमी रजामंदी से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। रजामंदी से आप लोग पहले दिन भी काम कर सकते हैं? बाहिमी रजामंदी से पहले दिन से ये नहीं हो सकता था ना? नहीं हो सकता था अगर आप लोग चाहते तो। इसलिए कि उस टाइम सबकी अपनी रजामंदियां थी, अभी ये बाहिमी रजामंदी हमारी है और हमारी ड्यूटीज असाइन हुई है। क्योंकि कोई भी वजीर आता था वो पहले पूछता था कौन कौन क्या क्या काम करेगा, क्योंकि किसी को नहीं पता था कौन खाना बनाना जानता है, कौन सफाई जानता है, कौन डस्टिंग जानता है। तो तब ये फैसला क्यों नहीं किया कि मैं और नेहा किचन में काम करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ये दो वजारतों में ये फैसला किया, मैंने खाने बनाए भी, शायद अब आपने देखा नहीं, वो आप खानों के साथ भूल गए। खाने तो आपने बनाए ही, लेकिन हंगामे भी बहुत किए आपने। जैसे कि ये इल्जाम है, जैसे कि एक हंगामा बताया मेरा, जैसे कि आपने बीच में खाना बनाते साथ ही चोरियां बहुत की। आपने कौन सी चोरी? खाना बनाते साथ ही लड़ाइयां बहुत की। कौन सी लड़ाई? आप लोगों ने दूध की चोरी की, आप लोगों ने काफी चीजों को छुपा छुपा के रखा गया। क्या काफी चीजों से मुराद? मतलब कि जैसे कि खाना पीना भी आप लोगों ने साइड में किया, और बीच में आप लोगों ने दूध भी ले गए, आप मिशेल के साथ मिलके दूध का आपने गलत इस्तेमाल किया। जी जी, आपको लगता है दूध पीना का इस्तेमाल जो है वो गलत है? जी बिल्कुल गलत है, जब इस घर में 14 लोग होंगे और दो लोग सिर्फ उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। और जब इसमें लड़के बगावत पे उतर आए और अपने खाना बनाकर खाए तो वो गलत नहीं है? क्योंकि लड़के यही देख रहे थे कि पहले दिन से किचन में लड़ाई चल रही थी, और उस लड़ाई से वो तंग आके उन्होंने ये फैसला किया कि अगर लड़के किचन में होंगे तो वो लड़ाई झगड़े खत्म। दो लड़कियां हैं तो लड़ाई नहीं हो रही है, जब सब होते हैं तो लड़ाई होती है। क्योंकि अभी हालात बहुत बेहतर है, हटा दिया गया और किचन में नो एंट्री का बोर्ड है, तो इसलिए सब वहाँ बैठकर आराम से खाने की फरमाइश करते हैं और फिर खाना उनको मिल जाता है। जुनैद नियाज़ी की वजारत में ऐसा कुछ हुआ कि दो लड़कियों ने कहा कि उनकी तबीयत सही नहीं है जी, और उनकी ड्यूटीज चेंज कर दी गई। जिन दो लड़कियों की वजह से आबाद आपकी वजारत क्या हुई थी? फजूल में दिमाग दोबारा से नहीं हाई करो, ठीक है? उस दिन तुम्हारा सॉरी जो है ना वो एक्सेप्ट कर रिजेक्ट करके तुम्हारे मुंह पे मारूंगी मैं। आप वजीर, सॉरी, आप अपने नए आए हुए मेहमान से ऐसे बात करेंगी? मेहमान आप सारे एपिसोड्स देख के आए हो, उसी तरह ही बात करूंगी। आप सारे एपिसोड्स देख के आए हो? सारे एपिसोड देख के आया हूं और मैं बिल्कुल रानी की तरह नहीं हूं। आई थिंक ही नोस। आप भी उसमें शामिल थी। अब मैंने एक वीडियो देखी, बड़ी वायरल हो रही है बाहर आजकल। जी बताएं। जुनैद नियाज़ी यहाँ पे बैठे हुए थे, इसी सोफे पे बैठे हुए थे, इसी तख्त पे बैठे हुए थे, और वो बड़े आराम फरमा रहे थे और किसी सोचों में गुम थे, जबकि आप हंसती मुस्कुराती आई हैं उनके पास और आपने फरमाया कि जुनैद बिल्कुल हंसती मुस्कुराती नहीं, हंसती मुस्कुराती आई है, बिल्कुल बकवास। मैंने हर एंगल से देखा है, यहाँ पे 100 कैमराज है, कैमराज शूट नहीं बोलते, बहुत सेंसिटिव होते हैं कैमराज, आपकी एक एक चीज पकड़ लेते हैं। आप उस चेयर से फैजान के पास से उठ के आई हैं और आप स्माइल करती हुई आई हैं, आप बार बार उसकी तरफ देख रही थी, वो आपकी तरफ देख रहा था, क्योंकि और आंखों में इशारे चल रहे थे, क्योंकि फैजान का ये कहना था कि जुनैद नियाज़ी जो है तुम कुछ भी कर लो, ठीक है? उन्होंने नेहा को रात में दूध दे दिया, उन्होंने सुबह नताशा को चाय के लिए दूध दे दिया, लेकिन वो तुम्हें दूध का हाँ नहीं बोलेंगे एंड तुम कुछ भी कर लो। और मैंने आकर बोला कि मुझे दूध चाहिए, और मुझे दूध चाहिए क्यों था, क्योंकि मैंने, क्योंकि जो कॉफ़ी का प्लान था वो ऑलरेडी दानिश भाई के हाथ में चला गया था, ठीक है? तो मैं नहीं पीना चाहती थी कॉफ़ी, ठीक है? और स्पेशली क्योंकि जुनैद नियाज़ी को भी बहुत अच्छी तरह पता था कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, और फैज़ान ने मुझे इसीलिए बोला कि तुम जाओ और जाकर बोलो, वो तुम्हें दे देगा। अगर आप किसी को कहती हैं कि आप उसकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो आपको कोई एक्स्ट्रा फेवर दे। एक्स्ट्रा फेवर तो मांगा ही इतना ही नहीं। एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुने, आप जब तक मैं कंप्लीट ना करूं आप सुने। तो दोस्ती का ये मतलब नहीं होता कि कोई आपको एक्स्ट्रा फेवर दे। एग्जैक्टली, ठीक है? आपको जुनैद नियाज़ी ने पहले भी मना किया कि दूध नहीं मिलेगा, आप उसके बाद बाकियों को दे रहे फिर आपको भी बहुत सारे फेवर किए गए, मैंने बाकियों को फेवर नहीं दिए, वो वाली चीज़
बाकियों की मैंने हेल्प नहीं कराई, बाकियों के टास्क में मैंने जाके उनकी जुनैद नियाज़ी ने हेल्प नहीं कराई, तो आप कैसे कह सकते हैं बदतमीजी की गई? दो दफा जुनैद नियाज़ी ने जेल में नहीं डाला और ये जुनैद नियाज़ी से बदतमीजी की गई, तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी नहीं होता। कभी कभी कुछ मसले होते हैं जो आप आराम से भी सॉल्व कर सकते हो, उसका ये हल नहीं होता कि अगर कोई बदतमीजी कर रहा तो आप भी आगे से बदतमीजी कर लें, कोई लड़ रहा हो तो आप भी आगे से लड़ना शुरू कर दें। कैसे कह सकते हैं कि जुनैद नियाज़ी की वजारत खराब करने में मेरा और नेहा का हाथ है, जबकि बादशाह सलामत के कहने के बावजूद वो आपकी अपनी गलती थी? जेल में डालना, सिर्फ जेल में डालना एक हल नहीं होता। अगर कोई आपकी बात प्यार से समझ जाए, उस पर अमल कर ले, तो ये भी एक तरीका है। बादशाह सलामत से जुनैद नियाज़ी की बहुत मतलब की बेइज्जती होती है वजारत के ऊपर, उसके बावजूद दो लड़कियां जेल चली जाती हैं, उसके बावजूद एक लड़की की तबीयत खराब है तो जुनैद नियाज़ी दवाई निकालते हैं, पानी की बॉटल ढूंढ के लाते हैं और उसको जेल में लाके दवाई देते हैं ताकि अच्छा ये बातें ना बताई दुआरूपा मिर्जा ने, ये ना बताई भैया। और उन्होंने, मैंने कैमरे में देखा बाहर कि उन्होंने दवाई कैसे ली है, तो बात करते हैं। ये आपके फिर अपने मसाइल है ना, आप कि अंदर जो एक लड़ाई चल रही है अपने आप से, हमजाद से जो आप लड़ाई चल रही थी आपकी, वॉशरूम जाना था तो जुनैद नियाज़ी ने कैमरे में पूछा क्या सर मैं इसका दरवाजा खोल के इनको लेके जा सकता हूं? पगला वो लेके गया जुनैद नियाज़ी और वापस किया, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की उनसे, कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। आपकी तरफ से था लेकिन ये दो पॉइंटर्स तो हमें पता भी नहीं थे, तो बहुत अच्छे पॉइंटर्स, कोई भरोसा नहीं। अरूबा मिर्जा जुनैद नियाज़ी की वजारत में टेबल पे बैठी होती थी, जुनैद नियाज़ी और फैजान शेख उनको कॉफी भी पेश करते थे, चाय भी पेश करते थे। क्या पॉइंट दिया, क्या पॉइंट दिया, हैं टेबल पे कॉफी कब पिलाई है मुझे, दिल जीत गया, कब पिलाई है, मतलब चाय तो सर्व की ना आपको, चाय अंडे ब्रेड। यार मैं कन्विंस हो गया, मैं उस टीम में जा रहा हूँ, एग्जैक्टली जैसे आप लोग अभी यहाँ से बैठ के ऑर्डर्स दे रहे होते हैं कि हमें फर्क है। अभी बात हो रही है, जुनैद नियाज़ी ने मना किया था कि घर में नहीं आ सकते, बादशाह सलामत ने ये बात आज ही कही सबके सामने, इनको टेबल पे पेश किया जाते रही सब चीज, बादशाह सलामत ने बाकायदा ये बात को एड्रेस किया है कि ये मेरे टेबल पे बैठी थी क्योंकि जुनैद पानी लगा, तो जुनैद नियाज़ी ने आने का मना किया था ना, ये बात आप कैसे पूछ सकती है, कैसे जानते हैं कि जब तो जुनैद नियाज़ी ने बाजार में क्या कहा था, क्या कहा था, किचन में नहीं आ सकते, इनफैक्ट उस दिन सब आए, उमर सब आठ आठ लोग यहां खड़े हुए थे, दो दफा निकाला है मुझे जुनैद नियाज़ी ने, सब किया, दो दफा जुनैद नियाज़ी ने, अगर वो देखेंगे किचन के हालात खराब हो रहे हैं तो निकालेंगे, लेकिन वो खराब हो रहे हैं क्या मतलब, मेरे हालात खराब हो रहे हैं, बन गया के ले लें, खाना बन गया के ले लें, अभी की बात नहीं करें, अभी तो किचन में जाना ही अलाउ नहीं है, तो आपको ही करना पड़ेगा। और एक मिनट, जुनैद नियाज़ी से बहस के बावजूद नाराज होने के बावजूद जब खाना लगता है तो जुनैद नियाज़ी ही जाके अंदर कहते हैं प्लीज खाना खा लें आके, और किचन से कॉफी भी तैयार नहीं पिघला, तुम्हारा जाने का और बेचारा बोला तुम्हारा दिल नहीं पिघला, मना किया है तुम्हारा दिल नहीं पिघला, खराब होने पर कभी नहीं किसी को बाहर भेजा, एग्जैक्टली उसके आशा सलामत ने कहा था किचन में सभी रहते ना, इसलिए वजीर कहता था लेकिन कोई सुनता नहीं था, ये चौथा ही सुनता हो गया, सिवाय अरूबा के बाकी कोई भी नहीं सुनता था, ये खड़े हो जाते थे, ये नया फ्रेम वॉर से देखिए, मैंने नोट किया जब उसने मना किया किचन में चले दो, एक मेरे भी बोला वो चली गई, सिर्फ सुने पर रूबा सुनती थी, आपने कानों से बाकी कोई नहीं सुनता था, आप इस बात के गवाह हैं कि जुनैद नियाज़ी अंदर वार्डरोब रूम में जाते हैं, वहां जाके इनको बोलते हैं खाना लग चुका है, अब आगे खाना खा, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं चाहूंगा, जब जुनैद नियाज़ी ने बोला कि आप खाना खा लें कॉफी भी रेडी है आप आ जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी ना मैं कॉफी पीऊंगी, ऐसे नहीं बोला उन्होंने, ऐसे नहीं बोला, जुनैद ने ऐलान किया कि अरूबा मिर्जा खाना नहीं खाएंगी, कॉफी भी नहीं पीएंगी, जुनैद नियाज़ी के दोस्त जाते हैं अंदर कॉफी लेके अरूबा मिर्जा को जाके कॉफी रख के आते हैं वहां पे उसके ऊपर एक सायरन बजता है जिसकी वजह से सबके खाने छूट जाते हैं, जुनैद नियाज़ी जानते हैं उस बात की वजह कि उनके हाथ से खाना क्यों निकला गया, सबने खाना क्यों रोक दिया, लेकिन उसके बावजूद वो रूबा मिर्जा को एक बात नहीं बोलते, तो ये मेरा मसला नहीं है, क्यों मैंने तो खाना नहीं खाना, ऐसे नहीं खा सकते, कैमरे पे थैंक यू तो करते हैं हमारी हिजामत का, पहचान लेंगे हमें, बहुत सारे पता नहीं, ये तीन नए कंटेस्टेंट कौन ये आपकी किचन पार्टनर है,
जी ओके तो किचन पार्टनर है, जो बात सही है वो तो सही है भाई, वो सही बोल रहा है, बस हो गई है। मैं भी सुन रही हूँ एक हफ्ते से पूरी कहानी पता है मुझे, लेकिन जो बात है मुंह पे बोल रही हूँ, गलत कर रही हूँ। अरुबा उसने सही किया था।